रहा था और सैटरडे को आया था, फिर संडे को उसका तबीयत खराब हो गया, फिर जो संडे को गया सो अभी तक नहीं आया वो 18-19। ये देखिए वो पनीर जो घर पे निकाले थे ना, देखिए इतना इतना ही। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मतलब किचन में मैंने काम वगैरह सब कुछ कर लिया है और ना आज ना मैंने ये बनाया, क्या उसको बोलते हैं, भेज बिरयानी बनाया है मैंने। और ये वाला ना मैंने ना मसूर का जो दाल होता है ना उसको भिगो कर मैंने रख दिया था और उसका मैंने बनाया है पकौड़ा। क्रिशो क्या कर रहे हो? मम्मा को दे दो बेटा, बेटा मम्मा को दे दो दूध। क्या मम्मा को दे दो, मम्मा को दे दो बेटा। हाँ मम्मा को दे दो। हाँ ठीक है ला, मम्मा को दे दो दूध, मम्मा को दे दो। गुड, चाय दे दो, चाय बनाने के लिए दे दो। जा उधर उधर किचन में बेटा, जा जा, वेरी गुड, जा मम्मा को दे दो। बाहर कहाँ जाओ, दे दो मम्मा को। देखो मम्मा किचन में खाना बना रही। नो काम को लेगा, नहीं देगा, अपने से रखेगा। अच्छा कहाँ रखा था बेटे दूध? कहाँ रखा था? इधर इधर फ्रिज में रख दो बेटा, फ्रिज में। क्रिशो फ्रिज में, फ्रिज में रखो दूध, फ्रिज में, फ्रिज में रखो। फ्रिज का है, रखो तो फ्रिज में। गोलो खोलो, फ्रिज खोलो। गुड, नहीं खुला आला, खाना ही नहीं खाते तो खुलेगा कहाँ से? ला, वेरी गुड, रख दो, वेरी गुड। आ जाओ वापस, आ जाओ, चलो अब बस 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 हो गया, वो अट गया, गिरेगा नहीं। आओ, सुबह का सारा काम हो गया है, मतलब हर कुछ हो गया है। और आज ना मतलब पीछे साइड में मेरा रस्सी बंधा होता तो यहाँ पर ना थोड़ा लेट से धूप आता था, तो आज मेरा आगे साइड मतलब वहाँ पर ना सुबह 7 बजे से ही वहाँ पे धूप आ जाता था, तो मैंने वहाँ पर भी अभी रस्सी लगवा लिया है। बहुत अच्छा, वहाँ पर भी कपड़े वगैरह सब सूख रहे हैं और मेरी मैम भी, तो खाना तो थोड़ा लेट से ही खाएंगे क्योंकि अभी पता नहीं भूख उतना नहीं लगा हुआ है मेरे को। आगे मैं भी अपने रूम में बस थोड़ा बेड वगैरह ये सब कुछ कर दूंगी। और अभी मैंने सोचा ना कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ। आज मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग पे क्योंकि मुझे कुछ अपने लिए लेना है, और क्या लेना है तो ये जानने के लिए आपको ब्लॉग में बने रहना है। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि नो ये देखिए वो पनीर जो घर पे निकाले थे ना, देखिए इतना इतना ही। चलो हो गया, छाली ले लिया आपको। ला हम लोग क्रिशो अनबॉक्सिंग करेंगे, पापड़े 1 महीना से बिना फोन के। लो 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 लो, अय्या, ये है मेरा फोन। वाओ, इसमें ना चाहिए इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है इसका, इसके भी कलर कितना सुंदर है ना, पिस्ता और अभी इसमें सीम वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है क्योंकि अभी तो मतलब हम लोग गए ही थे लेकर के आने के लिए इस फोन को, एंड अब हम इसमें सीम वगैरह लगाएंगे, तब तक रख देते हैं इसको क्योंकि, लेकिन पता है वो वाले फ़ोन का नया नया बैक कवर लिए थे, एकदम यूज़ नहीं कर पाए, बड़ी अफसोस लग रहा है। कोई नहीं, वो फ़ोन बन जाएगा, यहाँ नहीं बनेगा कहीं और। और इसके साथ में मिला है, एक मिनट बेटा, नो अरे दिया है यार,
देता है, जेली कवर देता है। थैंक गॉड दे दिया। आपको पता है हम क्या करेंगे, उसमें का जो वो है ना लटकन वाला, इसमें साट देंगे फेवी बीट से, मस्त लगेगा। हाँ हैंड हैंडमेड मेरा है ना, कर देंगे हाथों का गुल। एंड ये भी है इसके साथ पेन और चलो टर्बो चार्जर है। गुड टर्बो चार्जर, तो इसको हम एकदम रख देंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ना तीन तीन चार्जर पड़ा हुआ है। टर्बो रख दो, इसको नया ही रख दो, इसको हम लोग न्यू ही रख देंगे। जो चार्जर मेरा है सेम चार्जर है। हां बस चार्जर भाई ना, क्या जरूरी है। नहीं रख दो चार्जर, रख दो भाई, तो ये सब रख देंगे हम लोग। और इस पिन को तो खुद से भी ज्यादा संभाल के रखेंगे, इसके चलते सेफ्टी पिन से मेरे को करना पड़ता है। अभी 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 बाहर रखो, सिम डालेंगे। तो ये आ गया मेरा फोन, एंड इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑन कैमरा बोल रहे हैं। वेलकम। सही में एक महीना से ना बिना फोन के थे, जब ये आते थे ना तो हम इनका फोन लेते थे, वो भी 17 दिन ना अपना जीमेल भी नहीं डाले थे। लो पीछा नहीं छोड़ा आपका, करोगी जंगल झाड़ है। तो खैर तो वही 18-19 दिन जब हो गया तब हम अपना जीमेल इनके फोन में डाले और सोचे कि अब थोड़ा सा वीडियो डालते हैं। यही रीजन था ना कि मेरा वीडियो नहीं आ पाता था क्योंकि मेरा फोन ना पिछले एक महीना से बिल्कुल डैमेज चल रहा है। कभी वो एक बार गया था तो 7 दिन रहा था, और सैटरडे को आया था, फिर संडे को उसका तबीयत खराब हो गया, फिर जो संडे को गया सो अभी तक नहीं आया। वो 18-19 दिन हो गया होगा ले दे के पूरा का पूरा 27-28 दिन। हाँ एक महीना खींच दिया। तो फाइनली मेरा ये वाला फ़ोन आ गया, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। ये मैंने ना कैमरे के लिया, बहुत अच्छा, मतलब मेरे को ना इसका पीछे का लुक बहुत अच्छा लग रहा था। तो आ गया मेरा न्यू फ़ोन, और इसको तो हम बाबू से एकदम दूर रखेंगे। नो मुड़ी हिला रहा है, पैक कर रहा है। अब चलिए इसकी खुशी में हम इनको आज पराठा भुंजिया बना के खिलाएंगे, घी का पराठा। हम लोग मार्केट से आ गए थे और रात में मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा बनाया था पराठा और भुंजिया, क्योंकि बाहर में भी हम लोग गए थे कुछ, हम लोगों ने ऑयली फूड ले लिया था, और सुबह में भी हम वही पनीर वाला बनाए हुए थे सब्जी, इसलिए रात में बिल्कुल सादा खाना मैंने बनाया था। तो बस, और वीडियो अगर यहाँ तक आपने देख लिया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसको किसको पराठा भुंजिया अच्छा लगता है, मुझे तो पराठा भुंजिया और उसके साथ गर्मा गर्म चाय बहुत अच्छा लगता है। और बस यही था आज का मेरा एक छोटा सा ब्लॉग वीडियो। तो बस गाइस फाइनली आ गए हम लोग मार्केट से, और वहीं मुझे लेना था अपने लिए फ़ोन, क्योंकि मुझे फ़ोन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मेरा जीमेल था इनके फ़ोन में, ठीक है, मैं वीडियोज़ वगैरह भी ना मेरे चैनल पे अभी उतना अच्छा मतलब व्यू नहीं जा रहा है, जस्ट बिकॉज़ कि कभी मेरा फ़ोन ख़राब हो जा रहा था उधर, तो 7 दिन गैप हो जा रहा था, फिर 14 दिन गैप हो जा रहा था, फिर मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था उसकी वजह से भी 15 दिन मेरा वीडियोस नहीं गया था। और यूट्यूब जो है ना वो कंटिन्यूटी मांगता है, आप उस पर कंटिन्यू वर्क करते रहोगे तो सब कुछ अच्छा चलेगा। बट एनीवेज धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आई होप सो। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज का ये ब्लॉग वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।